नमस्कार विद्यार्थियों, मैं तरुण आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में स्वागत करती हूँ। हम सभी को अपने अतीत के विषय में जानने की उत्सुकता रहती है। इतिहास हमें केवल अतीत के बारे में ही नहीं अपितु नए जीवन की राह भी सिखाता है। इसलिए जिस विषय को आज हमने चुना है वह है मानव सभ्यता का विकास। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री एनपी सिंह। श्री एनपी सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। श्री एनपी सिंह जी, आज आप हमें यह बताएं कि जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मानव सभ्यता का विकास। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये सभ्यता क्या होती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। सभ्यता का अर्थ होता है जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से, अपने पहली पीढ़ी से, उनके अनुभवों से सीखती है। और इस तरह हर व्यक्ति अपने अनुभव से तो सीखता ही है, परंतु जब हम अपनी पहली पीढ़ी के अनुभवों से सीख करके उनको और आगे बढ़ाते हैं और उसको अगली पीढ़ी तक अपना अनुभव पहुंचाते हैं, तो इसको हम सभ्यता कहते हैं। जी सर, ये तो हो गई सर सभ्यता की बात, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी जो हमारा मानव है वो कितने वर्ष पुराना है? मानव की बात करें तो मानव का इतिहास 40 लाख वर्ष पहले की बात आती है। आप यदि इसमें देखेंगे तो ये एक पुराना प्राचीन मानव की हमें कुछ कंकाल दिखाए गए हैं। इसका जो विकास हुआ है वह विकास इस तरह है कि मानव की जो हड्डियां हैं, जो उसका कंकाल है, उसके अंदर एक क्रमिक विकास हुआ है। उसका माथा, उसका नाक और उसकी जो ठोड़ी है, ठोड़ी जो है वो एक लाइन में है। इस समय आप देखते हो कि माथा पिछली तरफ है और जो उसके नाक और वो है वो अगली तरफ है। ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, चेहरे की हड्डियां एक लाइन में आ जाती हैं, तो ये आज का मानव बन जाता है। तो इसका क्रमिक विकास है। तो आप यदि इसके लगातार आप देखेंगे तो जो इससे नेक्स्ट है उसके अंदर आप पाएंगे कि 20 लाख वर्षों में मानव जो झुककर चलता था, एक उसका विकास हुआ उसकी चेहरे की हड्डियों का, दूसरा उसका विकास हुआ कि वो सीधा खड़ा होना शुरू हुआ। जो आप देखते हैं कि शने शने वह सीधा खड़ा हुआ, जो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस है, वो नीचे के तीन मानव हैं, जिसके अंदर जो लास्ट वाला है इधर जो दाई तरफ दिखाई दे रहा है वो होमो सेपियंस सेपियंस है, यानी कि आज का मानव, आधुनिक युग का मानव। और उसने क्या किया है कि आगे के जो पैर हैं वो हाथ में परिवर्तित हो गए और जो हाथ है उसका अंगूठा बाकी उंगलियों के विपरीत आ जाता है, तो आज का मानव बन जाता है। आज के मानव के अंदर चीज को पकड़ने की, उसकी मैनिपुलेशन करने की, चीजों को बदलने की, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की जो बात आ जाती है, ये विकास में 20 लाख वर्ष लगे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ। हम चित्र में तो देख रहे हैं कि इस तरह हो गया, परंतु इसको होने में 20 लाख वर्ष लग गए। ये तो हो गई सर मानव के क्रमिक विकास की बात, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि प्राक ऐतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है? बिल्कुल सही आपने कहा कि इतिहास कहाँ से शुरू होता है। यदि हम इतिहास की बात करें तो जब मानव ने लिखना शुरू किया, जब उसने डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू किए, जब लिखने की कला उसको आ गई, तो उसको हम कहते हैं इतिहास। पर जब तक उसने सीखा नहीं, पर उसने अपने अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाया, तो उसको हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। सर, प्राग ऐतिहासिक के बारे में कुछ और बताएं, क्या क्या हुआ उस टाइम? प्राग इतिहास की बात करें तो जैसे हमने मानव के क्रमिक विकास, जो कि आम
तौर पर जीव वैज्ञानिक बताते हैं, तो उसके अंदर मानव का जो विकास है वो इस तरह है कि उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की बात करी है। आप उसमें देखोगे कि कैसे मानव ने जो उसको मिलता था, जैसे उसको लकड़ियां मिली तो उसने लकड़ियों से अपना घर बनाने की बात करी, और इसमें आप देख रहे हैं कि वो किस तरह लकड़ियां चुन करके उन्हें एक झोंपड़ी की शक्ल दे रहा है, और इसी तरह घर बनाने के बाद उसको बात आती है कि जो प्रकृति के अंदर और चीजें मिलती हैं, जैसे अलग जानवर मिलते हैं और कई पशु हैं। मानव इतना शक्तिशाली नहीं, पर वह अपनी बुद्धिमता और अपनी मैनिपुलेशन, यानी कि हाथ अंगूठा और जो उसकी हाथ की पकड़ है जिससे उसने हथियार बनाने की बात करी, अपने से अधिक शक्तिशाली जानवर को अपने बस में कर लिया, जिसको पालतू जानवर पालना और उसको पालतू बनाने की जो बात आती है, ये मानव ने ये सीख लिया और इस तरह उसका विकास होता है। ये सर जो इतिहास है आपने बताया हा कि कब से शुरू होता है, इतिहास क्या कांस्य युग से शुरू होता है? प्राग कांस्य युग की यदि बात करते हैं तो आपने जो बात कही, कांस्य एक धातु है और पहले प्राग इतिहास में मानव केवल पत्थर, हड्डी, लकड़ी, इन्हीं से अपने हथियार बनाता था। अब उसने जब लिखने की कला सीख ली तो आप देखते हो कि लिखने की कला से पहले उसने जो बात सीखी थी वो था चित्र बनाना, कि जैसा उसको कोई चीज़ नज़र आई उसके अंदर उसने उसी तरह उसका चित्र बनाने की बात करी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज से करीब 10,000 साल पहले की यदि बात करें तो मानव इस तरह गुफाओं में रहता था, गुफाओं के अंदर जाकर के देखते हैं कि इस तरह के चित्र बनाए गए हैं दीवारों के ऊपर। वो सिखाना चाहते हैं अपनी भावी पीढ़ी को कि हथियार बना करके अखेट कैसे करना है, और जब वह एक जगह पर सेटल हो जाता है, वह ऐसा देखता है कि उसने धातु को बनाया, धातु से हथियार बनाए, तो जब धातु से हथियार बनाने शुरू होते हैं तो इसे कांस्य युग की बात कहते हैं। पर इसके अंदर हम देखते हैं कि कहां पहले वह केवल बनाता था चित्र, अब उसने चित्र लिपि का आविष्कार कर लिया कि अपने भाव को, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसने अक्षर लिखने शुरू कर दिए। यदि हम कांस्य युग की बात करें तो इसके अंदर, भारत के अंदर जो विकास हुआ है वह है हड़प्पा संस्कृति, और हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप देखते हैं कि वहाँ एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी तक अपनी बात पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया, और उसकी लिपि हमें आज भी मिलती है जिसे हम हड़प्पा लिपि कहते हैं। और इस हड़प्पा लिपि का आप यदि एक उदाहरण लें तो हमारे पास ये एक फोलियो है जिसके अंदर हड़प्पा लिपि आपको लिखी हुई नजर आती है इन मोहरों के ऊपर। ये मोहरें हैं कि जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान भेजते थे उसके ऊपर अपनी सील लगाते थे, मोहर लगाते थे, और उसके ऊपर वो अक्षर लिखे होते थे। आप इसकी लिपि देखें तो हम इसकी जो मोहरें हैं उनका हमें प्रारूप नेशनल म्यूजियम से भी मिला है, जो कि इस तरह है। आप देखते हैं कि ये इस तरह की मोहर है जो कि हमें इसका एग्जैक्ट रेप्लिका मिला है। इसके ऊपर की तरफ आप देखते हैं कि हमें ये लिपि लिखी हुई है, वही जो चित्र हमने यहां देखा था, और ये इसका एग्जैक्ट रूप है, इसी साइज की हमें खनन से मिली है। इसके ऊपर की तरफ आप देखते हैं लिपि है, और नीचे की तरफ उन्होंने एक वृषभ जो है उसका उसको यहाँ उकरा हुआ है। वह जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे उसके ऊपर गीली मिट्टी करके इसको छाप देते थे, और मालूम पड़ता था कि हाँ ये गुजरात लोथल से
आया है या हड़प्पा नगर से यह सामान आया है। और इस तरह की हमारे पास और भी मोहरे हैं जो कि आप इनके अंदर वही लिपि और अलग अलग तरह के जो निशान हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति की यदि हम बात करें तो वो कितने विकसित थी, ये आज से करीब 5000 साल पहले की बात है। और इसके अंदर हमें जैसे उसी खनन में एक इस तरह का जो मॉडल है वह भी मिला है और एक ये आर्टिफैक्ट। इसको आप यदि ध्यान से देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसने अपनी दाढ़ी भी बनाई हुई है, और इसको यदि हम पीछे की तरफ से देखें तो इसने सर के ऊपर कुछ बांधा हुआ है और ये देखते हैं एक रिबन तरह का इसके पीछे लटका हुआ है। इसने एक ओढ़नी पहन रखी है, एक ऊपर का कपड़ा पहन रखा है और इसके ऊपर कढ़ाई की गई है, यानी कि 5000 साल पहले जो मानव था वह कितना सभ्य था कि उसने कढ़ाई किए हुए कपड़े पहनना सीख लिया, उसने अपने दाढ़ी बाल इत्यादि बनाने की बात सीख ली और सर को श्रृंगार करने की बात जो है वह भी इसमें आ गई। इतना ही नहीं, आप देखते हो कि ये बच्चे के खिलौने हैं। 5000 साल पहले किसी बच्चे को इस तरह का खिलौना मिल जाए वो कितना खुश होता होगा। आज तो तकनीक की बहुत अधिक विकास हो चुका है, तकनीक का बच्चे को कितने प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं, परंतु उस समय इस तरह के खिलौने यदि किसी के पास आ जाते हैं, किसी बच्चे के पास, तो कितना खुश किस्मत अपने आप को समझता होगा। कुछ इस तरह का एक और हड़प्पा संस्कृति का ही, और इसके अंदर हमें कांसे के औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, उनके गहने भी मिलते हैं, कुछ गहने पत्थरों से बनाए गए हैं। तो ये कांस्य युग के अंदर केवल यही नहीं कि उन्होंने अपना खेतीबाड़ी करना शुरू किया, उन्होंने गेहूं धान उत्पादन शुरू किया, हमें उनके गेहूं के दाने भी उन खनन के दौरान मिले हैं। एक पूरी नगर योजना वहां पर मिली है, बड़े अच्छे ढंग से वह अपने नगरों को, नगर के अंदर उसकी पानी की व्यवस्था, उसके गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, स्नान घर, उच्च जाति के लोग कहाँ पर रहेंगे और काम करने वाले जो हैं वो कहाँ, वो किस जगह पर रहेंगे। कोई व्यक्ति जब इस संसार से चला जाता है तो उसके शरीर को दफनाने के लिए उन्होंने किस तरह की शव पेटिका बनाई, यानी कि एक पूरी विकसित जो सभ्यता है कांस्य युग की वह हमें मिलती है। कांस्य युग की सभ्यता केवल हड़प्पा में ही नहीं, हमें मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, मेसोपोटामिया का अर्थ है, मेसोपोटामिया को जब हम कहते हैं तो दो नदियों के बीच की जो जगह है, जो जमीन है, उसे मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया के अंदर भी हमें मिलता है, चीन के अंदर भी मिलता है, और हमें नील घाटी के साथ जो है वहाँ पर जो मिस्र है वहाँ पर भी हमें इस तरह के कांस्य युग की जो बातें हैं, सॉरी ग्रीक की अंदर भी मिलता है कांस्य युग की, जहाँ पर कि हमें इस तरह की सभ्यताएं जो हैं वह विकास उनका केवल भारत में ही नहीं विश्व के अंदर और भी इसके जो हमें प्रमाण हैं वो मिलते हैं। कांस्य युग पहले आया और लोह युगिन बाद में शुरू हुआ, इसका क्या कारण है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि लोह युगिन सभ्यताएं बाद में क्यों आई और कांस्य युगिन जो है या ताम्र पाषाण युग है वो पहले क्यों आया। तांबा पृथ्वी के, तांबे के जो अयस्क हैं वो भूगर्भ में काफी ऊपर ऊपर हमें मिल जाते हैं, पर तांबे के अयस्क से तांबा धातु निकालना कुछ आसान है। लकड़ी जला करके हम तांबा प्राप्त कर सकते हैं और तांबे के अंदर जब हम और धातु जैसे जिंक इत्यादि मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है। इसलिए चूंकि
800 डिग्री सेल्सियस तापमान लकड़ी जला करके बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, परंतु लोहे के अयस्क से लोहा प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है। जब तक 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान ना लें तब तक ये नहीं गल सकता। और कोयला जो है, जब तक कोयले की खोज नहीं हुई, और कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, काफी भूगर्भ के काफी अंदर से, और जब कोयला हमें मिल गया तो अधिक तापमान हुआ तो लोह अयस्क, जबकि पूरे पृथ्वी पर लोह अयस्क बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो यही कारण है कि एक बार लोह युगी लोहा बनाना सीख लिया तो ये जो अनुभव था पूरे विश्व में फैला, लोह युगीन सभ्यताएं बहुत अधिक स्थानों पर फैल गई। जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, जैसे हड़प्पा है वो भारत के अंदर सिंध घाटी के पास पास पनपी, या लोथल गुजरात के अंदर या कालीबंगा के अंदर, पर जब हम लोह युगीन की बात करते हैं तो ये गंगा घाटी की तरफ काफी बढ़ जाती हैं सभ्यताएं भारत के अंदर। और लोहा मिलने से, लोहे के औजार बनाने से, जैसे आपने उस स्लाइड के अंदर लोहे के औजार दिखाए, तो इसके दो फायदे हुए। एक फायदा हुआ कि हम बड़ी आसानी से जंगलों को काट सके, और जंगल काटने से हमें कृषि योग्य भूमि काफी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, और एक बार कृषि का विस्तार होने से, हमारा अनाज काफी आ जाने से, ये बात आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों का लोग अपना पेट भर सकते हैं, और वह सभ्यताएं काफी फैल गई। तो आप यदि लोह युगीन सभ्यता की बात करें तो लोह युगीन सभ्यताएं रोम के अंदर भी फैली, मिश्र के अंदर, इधर यूनान के अंदर भी, चीन के अंदर भी, तो इनका विस्तार काफी होता है। और जो मुख्य बात आती है वो आती है कि इनसे एक कृषि के अंदर फायदा होता है, और दूसरा युद्ध कला के अंदर, जब और मजबूत हथियार तरह तरह के लोहे के बनने लगे तो युद्ध कला के अंदर भी परिवर्तन आता है। तो अधिक, अब सारी बात जो आती है, ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली सेना खड़ी करके, और ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर जो राजा लोग हैं वह अपना विस्तार करते हैं, अपना प्रभाव बनाते हैं, और ये सभ्यताएं फैलती हैं। भारत के अंदर बात करते हैं तो ये सर्वप्रथम जो है, जो लोह युगीन सभ्यता आती है वो वैदिक काल की बात आती है, और वैदिक काल के अंदर प्रारंभ होता है ऋग वैदिक काल का, कि जब ऋग वेद रचा जाता है, और जिनसे हमें उस समय की काफी बातें मिलती हैं कि ऋग्वेद के लोग कैसे रहते थे। वहाँ जो प्रमुख बात थी, राजा तो प्रमुख होता ही था, यानी कि जो किसी एक जगह का मुखिया है उसको राजा या चीफ कहा जाता है, और उसके सहायक जो है उसके लिए सभा और समिति होती हैं, और वह अपने अधिक इलाके के ऊपर और अपना प्रभाव बनाने के लिए, ये एक जन जो है, अलग अलग जन जो है विकास करते हैं। तो इस तरह जो वैदिक काल का है समय, ये पूजा करते हैं जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे इंद्रदेव की जो पूजा है वह काफी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, ये जल देवता की, ये उस समय जो है अग्नि देवता की, इनकी पूजा भी करते हैं। यदि हम इसी तरह यूनान की सभ्यता देखते हैं तो यूनान की सभ्यता के अंदर भी वह सबसे प्रमुख काम उनका क्या होता है कि बड़ी से बड़ी अच्छी सेना जो है वह बनाने की बात आती है, और दूसरे इलाकों के ऊपर अपना प्रभाव बनाने की जो बात आती है। इसके अंदर आप देखते हैं कि जो यूनान की जो पुरानी सभ्यता है उसके अंदर जो हमें एथेंस और स्पार्टा जो हैं, ये आपस के अंदर प्रभाव बनाने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। इसके अंदर ही आप हम देख पाते हैं कि जो सिकंदर महान जो है वह भी चलता है पूरे विश्व को जीतने के लिए, वह कुछ हिस्सा जो उत्तर भारत का है वहाँ तक भी आता है। और अब हर सभ्यता क्या चाहती है कि वह ज्यादा से ज्यादा इलाके के ऊपर अपना प्रभाव डाले, ज्यादा से ज्यादा जो है पदार्थ का संग्रह करे,
किन पदार्थों का, कि उस समय जो वैभव की वस्तुएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना। हमें मुख्य रूप से तीन तरह के लोग मिलते हैं। एक वो हैं जो कि जितना भी भोग विलास की वस्तुएं हैं उनको भोगते हैं, जिनके पास एफ्लुएंस है, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो समृद्ध चीज़ें हैं उनके पास हैं, और फिर वो लोग हैं जिनके अंदर जो इनके नीचे कार्य करने वाले हैं, और तीसरे हैं जो गुलाम। इस तरह जो रोम सभ्यता के अंदर हम क्या पाते हैं कि इन तीन तरह के लोगों, गुलामों से ज़्यादा ज़्यादा कार्य कराया जाता है और सेना जो है अपने सैनिकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आप यदि इस वैदिक युग की बात करते हैं, लो युग इन सभ्यताओं की बात करते हैं, तो लोहा आने से सभ्यता जो है वह एक विकास की तरफ बढ़ती है, वह अधिक भूमि को कृषि योग्य बना लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बल रखती है, लोहे के हथियार बना करके, इनके औजार बना करके ये और अधिक अपना प्रभाव जो है इस पृथ्वी के ऊपर बनाने की कोशिश करती है। सर, वैदिक काल में नए धर्मों के उदय के क्या कारण रहे? वैदिक काल जैसे ऋग वैदिक समाज है जी। तो इसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर भारत के अंदर यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर हम ये पाते हैं कि उस समय यजुर्वेद की, अथर्वेद की, सामवेद की, इन वेदों की रचना होती है, और समाज जो है वह यज्ञ इत्यादि करने में रुचित होता है कि अपने राज्य की वृद्धि के लिए वह कई तरह के बड़े बड़े यज्ञ करता है जिसमें पशु बलि भी होती है, और पशु जो है वह उसकी कृषि के लिए भी चाहिए, उसकी सैनिक बल भी इस पर आधारित है। पर जब इनकी अत्यधिक बलि होने लगी तो समाज के अंदर एक तनाव आता है, और इसका जो हल है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म देते हैं। बौद्ध धर्म ने जो मुख्य बात करी वो थी कि मानव जो है वह उसके अंदर वह दुखों का, वह अपने जीवन के अंदर अत्यधिक दुख सहन करता है, पर जो दुख हैं दुख से निवृत्ति कैसे हो सकती है, वह कैसे दुखों से बच सकता है। वो कहते हैं इसका मूल कारण तृष्णा है, और तृष्णा को समाप्त करने के लिए उन्हें अष्ट मार्ग की, जो अष्ट मार्ग है कि उसकी बात करी, अहिंसा की बात करी। इसी तरह जैन धर्म ने भी ये शिक्षाएं दी, हालांकि दोनों लगभग समकालीन हैं। आज से करीब 2500 साल पहले ये नए धर्मों का उदय होता। ठीक है सर, नए धर्मों के उदय के बाद सर भारत में किस प्रकार राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुए? ये वो समय है जब सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करता है जी सर। और आक्रमण करने से राजनीतिक अस्थिरता आती है। वो समय है जब इसके बाद में आज से करीब 326 में हम जैसे BC ईसा पूर्व में जब हम बात करते हैं तो उस समय जो बात है वो आती है मौर्य काल की, जिसमें अशोक का समय आता है, और अशोक ने मगध के अंदर एक काफ़ी विशाल जो राज्य है उसकी स्थापना होती है। पर अशोक के बाद में फिर अस्थिरता आती है। कारण क्या बनता है कि जब वह बौद्ध धर्म अपना लेता है तो बौद्ध धर्म अपना से जैसे कलिंग युद्ध के बाद उसके मन के अंदर युद्ध के प्रति एक उपरांता आती है, वह सैनिक अस्थिरता और आर्थिक रूप से जो अस्थिरता आती है इसके कारण मौर्य जो हैं वह समाप्त होते हैं। तो जो हमें उथल पथल काफ़ी अधिक होती है, बाहर से आक्रमण भी होते हैं, कुषाण आते हैं, शक आते हैं, यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, जैसे आपने अभी बुद्ध की प्रतिमा दिखाई थी, वो
कुषाण युग के अंदर की समय की बात है। और आप इस कुषाण युग की बात करें तो आप ये गंधार शैली के अंदर बुद्ध की प्रतिमा है, जो ये बताती है कि गंधार शैली जो है ये यूनान और भारत के जो कलाकार हैं उसका सम्मिश्रण है। कि भारत के अंदर इससे पहले यदि किसी मानव का चित्र दिखाया जाता था तो वो इतना फाइन और इतना सुंदर नहीं बनाया जाता था, और यूनान शैली के प्रभाव से और जो एक नई शैली विकसित हुई जिसको हम गंधार शैली कहते हैं, इसी तरह मथुरा शैली भी विकसित होती है, अमरावती शैली भी विकसित होती है, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाती हैं। और इन कलाकृतियों के साथ साथ हमें ये देखिएगा कि एक महात्मा बुद्ध के बाद जो हमें सभ्यता की एक जो नई बात आती है वो है जैसे मध्य प्रदेश में सांची का जो स्तूप हैं, ये स्तूप जो है इस समय बनते हैं, ये इसका तोरण है यानी कि पहले का हिस्सा। और इसको देखते हैं तो ये थोड़ा दूर से लिया गया चित्र है, हालांकि ये सारी जो इमारतें हैं वह बनाई गई हैं धर्म से प्रेरित होकर के। सर, जितना भी ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ ये हुआ उत्तर भारत में, उस टाइम दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? यदि हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो हमें प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इतिहास साक्ष्य मांगता है, वह प्रमाण मांगता है, क्या उस समय को कोई स्मारक है या उस समय को हमें लिखित प्रमाण मिलता है? हाँ, दक्षिण भारत के अंदर हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। इस लिखित प्रमाण का संग्रह जो है इसको हम संगम युग के नाम से जानते हैं। 300 BC यानी कि 300 ईसा पूर्व सन से लेकर के और 200 ईसा ईस्वी सन तक, जो यानी कि ये जो 500 साल का समय है इसके अंदर बहुत अत्यधिक जो रचना है वह होती है। और जिन्होंने उस समय कि किस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर जो राजा थे वह किस तरह रहते थे, वो मदुराई जो जगह है वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी, और जो विद्वान लोग थे वह चर्चा करते थे। संगम का अर्थ ही है विद्वानों का इकट्ठा हो करके चर्चा करना, और उन्होंने उस समय की सारी जो समाज की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको अपने साहित्य के अंदर सदा के लिए अमर कर दिया, जिसको हम संगम युग के नाम से जानते हैं। सर, संगम युग के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही या कुछ बदलाव आया? संगम युग के बद, चूँकि जब मदुराई उन्होंने राजधानी बनाई तो उसके बाद में जब पल्लव आते हैं तो वह अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाते हैं, और आप यदि देखें उस समय के विश्व प्रसिद्ध स्मारक हमें ये मिलते हैं। आप देखो कि जो महाबलीपुरम के अंदर जो 5 रथ हैं तमिलनाडु के अंदर, जो मद्रास से करीब 55 किलोमीटर हैं, और ये 70 के करीब स्मारक हैं जो कि एक ही पहाड़ से बनाए गए हैं। सर, मैं आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपने समय दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम से आपने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास
प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग।